सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सर्दियों के सूट में जो कफ स्लीव्स होती हैं वो आपको बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली है। ये हमारा ऊपर का आर्म होल वाला एरिया है, तो जो ये नीचे वाला एरिया है, तो हमने जो बाजू की फिटिंग रखनी है वो हमने 4.5 इंच रेडी रखनी है। ये जो बाजू की फिटिंग है हमारी 4.5 इंच रेडी है, तो लेकिन हमने यहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा ले लिया है। ये हमारा टोटल कपड़ा, ये देखिए, अब मैं आपको नाप के बता रही हूँ, ये मेरे पास टोटल कपड़ा 9 इंच है। तो रखना तो हमने ये 4.5 है, लेकिन लिया 9 है, तो यहाँ पे हम छोटे छोटे ऐसे प्लेकेट्स डालेंगे इस तरह। तो अब मैं इसको बनाना आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो कफ लगाना है वो 2.5 इंच लगाना है आगे। ये एक्स्ट्रा लगेगा हमारा, ये कफ है जो हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा लगेगा। तो हमने यहाँ पे कफ की कटिंग भी कर ली है। जो हमारा कफ है रेडी, वो 9 इंच रखना है हमने। ये देखिए, 9 इंच हमने रेडी रखना है, तो हम इसको 10.5 इंच कट कर लेंगे। ये मैंने 10.5 इंच कट कर लिया, 9 इंच रेडी रहेगा। तो इसके लिए जो चौड़ाई है कफ की, वो मैं टोटल आपको बता देती हूँ खोल के। ये मैंने 6 इंच कटिंग की है, 2.5 इंच हमने तैयार करना है कफ, 5 इंच कपड़ा हमारा लगेगा, आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा दोनों साइड से। तो 6 इंच टोटल हो गया, 2.5 इंच कफ रेडी हो जाएगा, कफ हमारा इस तरह बनेगा। तो अब सबसे पहले हमने इसको स्लीव को यहां से खोलना है, और जो नीचे वाला एरिया है जहां से हमारा बाजू वाला आगे का हिस्सा बनना है, वहां से हमने इसे इस तरह 5 इंच तक, 4 या 5 इंच तक इस तरह फोल्ड करना है। ये हम टेढ़ा फोल्ड कर लेंगे, बस इतना करके यहां पे बंद कर देंगे सिलाई। अब हमने इस साइड से भी, दोनों साइड है हमारी बाजू की, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड से करना है। तो ये हमने इस साइड से भी इसी तरह करना है, 5 या 4 इंच तक हम इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब हमने ये कपड़ा लेना है जो हमारा ये वाला है कफ लीन वाला, तो हम इसे इस तरह रखेंगे सीधा, और इसे भी रखेंगे इस तरह सीधा। ये दोनों कपड़े हमने सीधे रख लेने हैं। और यहाँ देखिए, अब नीचे रखेंगे कफ, ऊपर रखेंगे बाजू, और आधा इंच कपड़ा पहले हम कफ का नीचे छोड़ देंगे। ये देखिए, ये कफ का कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ऊपर से स्लीव लगाना शुरू करेंगे। अब हमने इसको सिलना शुरू किया, और यहाँ पे छोटे छोटे प्लेकेट्स बनाने हैं, क्योंकि ये कपड़ा हमारा 4 इंच ज़्यादा है हमारे पास एक साइड से। तो इस तरह हमने ये चुनर डालने हैं इसके, नीचे वाला कपड़ा हमारा सीधा रहेगा, और ऊपर वाले में हम इस तरह छोटे छोटे प्लेकेट्स डाल देंगे। ये जो हमारे प्लेकेट्स डल रहे हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो हमने सेम इक्वल सा रखना है। ये ज्यादा खुले और ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। अब हमने इसे एंड पे भी इसी तरह करना है। जो कफ वाला कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, और जो ये स्लीव वाला कपड़ा है हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हमने इसे इस तरह सिल देना है, और अब देखिए ये इस तरह चुनर डल गए हैं, और ये हमारा कफ रेडी हो जाएगा। अब इस तरह करेंगे, ये जो एंड है हमारा नीचे वाला, इसको हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हमने क्या करना है, स्लीव को इस तरह कर लेना है, उल्टी स्लीव हमारी उल्टी रहेगी, इस तरह देखना है। अब देखिए, ये हमारा ऐसे था, इस तरह रखेंगे, और ये जो है हमारा यहाँ पे एंड पार्ट, एंड वाला यहाँ पे एंड से एंड मिला के थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर रखना है ये वाला कपड़ा आपने, 1 पॉइंट ओनली, क्योंकि सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। अब इधर से भी, दूसरी साइड भी इसी तरह करना है। यहाँ से पहले आपने नाप लेना है इसको, ये हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आप ऐसे नाप, ऐसी सिलाई लगा दोगे, कई बार झोल भी आ सकता है, तो यहाँ से पकड़ के आपने इसको सिलाई कर देनी। अब ये देखिए, अब ये जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको बराबर कर ले। इस तरह हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, इसे भी दोनों एजेस हमारे अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगे। और अब हम इसको स्लीव को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हो, ये जो है अपना ये वाला कफ वाला कपड़ा, ये ऊपर की तरफ आ गया है,
और इसे अब हम रख के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी साइड में और ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं सब कट कर देने, यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे साइड में। ये देखिए ये हमारा कफ लगकर बिल्कुल रेडी हो गया है। ये हम नॉर्मली ज्यादातर गर्म सूटों में बनाते हैं और जो ये बुजुर्ग लोग होते हैं, थोड़े ओल्ड एज लोग होते हैं, वो लोग इसको ज्यादा पहनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, स्लीव को, स्लीव को हमने इस तरह उल्टा करना है और इस तरह रखना है और यहां से हमने सिर्फ 2 या 2.5 इंच छोड़ के सिलाई लगा देनी है। अब ये हमारी स्लीव इस तरह रेडी हो गई है, ये देख लीजिए, ये हमारा आगे वाला हिस्सा है और ये हमारी स्लीव है ऐसे ऊपर से। तो इसे हम यहाँ पे बटन लगाएंगे, जो भी आपका मन है, आप टीचर बटन लगा सकते हो, यहाँ पे दो यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ, और इसका इस तरह ये आके पार्ट इस तरह बंद हो जाएगा और ये कफ वाली स्लीव हमारी इस तरह रेडी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।